Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hi guys, namaste, namaste, namaste. आजकल बहुत कुछ exciting हो रहा है. One second. Hi guys, namaste. कैसे हैं आप सब? आजकल बहुत कुछ exciting हो रहा है Indian politics में, and I am really enjoying it. In fact, मुझे और कुछ भाता ही नहीं है. I'm concentrating wholly on Indian politics. तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये discussion करूं, क्योंकि मैंने कुछ नए entrants देखे थे इन भारत टेरे टुकड़े टुकड़े gang. तो मुझे लगा मुझे इनके बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि obviously ये news कल तक पुरानी हो जाएगी. एंड कुछ पुराने भी थे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े गैंग में से, और उन्होंने इतना कुछ इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट किया था ट्विटर जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट पे, तो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में भी बात करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू एंट्री. द न्यू एंट्री इज कमल हसन. कमल हसन हमारे देश के एक नामचीन अभिनेता है. ऑब्वियसली वो अभी थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, मगर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इन बॉलीवुड एज वेल एज इन साउथ, एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी अ रिस्पेक्टेड एक्टर. बट हम ये बात भूल गए कि वो एक इंडियन मुस्लिम है, और सडनली उनको शायद अपना रिलीजन याद आ गया है या अपना थॉट प्रोसेस याद आ गया है, बिकॉज अभी वो नेता है, वो पोलिटिकल लीडर है, और उनको शायद कोई रैली में या कोई सेमिनार में कुछ पूछा गया था, तो वहां पर उन्होंने बोला है कि हमारे देश की सरकार यानी भारत सरकार इज स्कैर्ड टू डू अ रेफरेंडम इन कश्मीर टू आस्क द कश्मीरी पीपल कि वो कहां जाना चाहते हैं, वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं. तो बिकॉज आई एम फॉलोइंग इंडियन पॉलिटिक्स, मुझे लगा कि कमल हसन जी का ये नॉनसेंस तो मुझे पकड़ के बोलना चाहिए आप लोगों के साथ, बिकॉज बहुत सारे लोग कमल हसन जी को फॉलो करते हैं, एंड दिस इज वेरी सैड दैट जस्ट बिकॉज वो अभी एक पोलिटिकल लीडर बन गए हैं, वो ऐसे लोगों को गुमराह करेंगे बाय टॉकिंग थिंग्स दैट दे डोंट नो. सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, कश्मीर जब 1947 में था, तब कश्मीर के रूलर एक हिंदू रूलर थे, महाराजा हरि सिंह, और महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहे लाइक स्विट्जरलैंड. मगर जैसे ही इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई और महात्मा गांधी जी ने फोर्स किया जवाहरलाल नेहरू को 55 करोड़ देने के लिए टू पाकिस्तान, या 20 करोड़, मुझे नहीं एग्जैक्ट नंबर पता, और मैं रफेल की तरह गलत नंबर्स नहीं देना चाहती हूं जैसे कांग्रेस लीडर्स करते हैं, मगर हम सबको पता है कि नेहरू जी ने पाकिस्तान को कुछ करोड़ दिए थे बिकॉज महात्मा गांधी जी ने उनको बोला था, और ये करने के लिए उन्होंने अनशन भी किया था. एनीवेज, जैसे ही पाकिस्तान के पास वो पैसा आया, पाकिस्तान ने अटैक किया कश्मीर के ऊपर वाया आज़ाद फोर्सेस, और ये आज़ाद फोर्सेस ने जब अटैक किया कश्मीर के ऊपर, तब महाराजा हरि सिंह ने इंडिया की हेल्प मांगी. जी हाँ, कश्मीर के रूलर जो एक हिंदू रूलर थे, उन्होंने इंडिया की हेल्प मांगी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने फोर्सेस भेजे तभी, क्योंकि वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, और उस टाइम पे महाराजा हरि सिंह ने लेटर ऑफ असेशन साइन किया था, जो बाकी स्टेट्स ने भी साइन किया था जब वो डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ जाते थे, जुड़ गए थे इन 1947. गलती नेहरू जी की थी, क्योंकि उस टाइम पे नेहरू जी कश्मीर के इशू को यूएन ले गए, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि कश्मीर का जो पीओके वाला हिस्सा है उसको आप यूएन मत लेके जाओ, ये बायलैटरल इशू है, कश्मीर अपने आप को जोड़ चुका है इंडिया के साथ, हम फाइट करेंगे और पाकिस्तानियों को निकालेंगे वो पीओके एरिया से. मगर नेहरू जी ने नहीं सुनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, एंड दिस इज वॉट वी आर फेसिंग, दैट इवन टूडे आर आर्मी जवान गेट किल्ड because of that one stupidity of taking Kashmir to UN. Anyways, so referendum तब होता है जब कोई देश का राजा decide कर रहा होता है कि वो अपने देश को एक बड़ी country के साथ जोड़े या ना जोड़े. 70 years of freedom के बाद जब हमारे देश के जवानों ने अपना खून दिया है कश्मीर की सुरक्षा के लिए और कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए, तो अब कमल हसन जी कोई referendum नहीं हो सकता. समझे आप? Referendum अगर होता भी तो सिविलियंस के साथ होता है, टेररिस्ट के साथ नहीं, बिकॉज आप जैसे लोगों ने आर्टिकल 370 नहीं निकाला, आज की तारीख में कश्मीर में इंसान नहीं रहते, हैवान रहते हैं, टेररिस्ट रहते हैं, जो इंडिया के आर्मी जवान्स की हत्या करते हैं, उनको मारते हैं. सो आज की तारीख में कश्मीर में
टेररिस्ट रहते हैं, तो रेफरेंडम टेररिस्ट के साथ तो कभी हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, रेफरेंडम तब होता जब महाराजा हरि सिंह ने डिसाइड किया था कि वो कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़े या पाकिस्तान के साथ जोड़े। महाराजा हरि सिंह ना आप है ना मैं है, और 70 साल की इंडिपेंडेंस के बाद आप बैठ के लोगों के दिमाग के अंदर ये गलत कीड़ा नहीं डाल सकते। कमल हसन जी, अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा समझते तो मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर ही ये बोल रही हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि आप जैसा इर्रिस्पॉन्सिबल नेता अगर लोगों को ऐसे ब्रेन वॉश कर रहा है तो दिस इज समथिंग रियली रियली सैड। भारत सरकार को कोई डर नहीं है, बट भारत सरकार इज नॉट लायबल टू टेक रेफरेंडम ऑफ कश्मीरी टेररिस्ट, ओके, बिकॉज कश्मीर के जो रूलर थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने खुद डिसाइड किया था कि वो कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ना चाहते हैं जब पाकिस्तान ने जबरदस्ती कश्मीर के ऊपर अटैक किया था। ये तो दूसरी बात है कि पाकिस्तान ने अपने कोई गंदे एजेंट्स छोड़ दिए होंगे जिन्होंने जानबूझ के आर्टिकल 370 फ्रॉड से हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में डलवा दिया, जबकि अंबेडकर जी भी नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 370 हमारी टेम्परेरीली भी हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़े, और उसका हम अभी तक भुगत रहे हैं। अभी तक हमारे आर्मी जवान मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट नॉनसेंस। इतनी सारी वॉर्स हुई है, मगर कमल हसन जी आप बिलीव करते हैं कि आप अपनी कुर्सी पाने के लिए कुछ भी बोलेंगे। सो यस, यू आर द न्यू एंट्रेंट इन भारत तेरे टुकड़े टुकड़े गैंग। इसके अलावा हमारे पुराने पापी कौन थे? हमारे पुराने पापी थे बरखा आंटी। जी हाँ, मैंने लिख के रखा है नाम बिकॉज इट इज टू डिफिकल्ट। इतना कुछ ड्रामा होता है ना ट्विटर के ऊपर, तो मैं तो लिख लेती हूँ। तो बरखा आंटी ने जब कश्मीरी लोकल यूथ की स्टोरी बेचनी चाही, वो नहीं बिकी, तो फिर वो कश्मीरी स्टूडेंट्स पे आ गई, फिर वो कश्मीरी मुस्लिम्स पे आ गई। तो उनकी जो पुलवामा अटैक के बाद जो 3 स्टोरी बोर्ड्स हुई, लोकल यूथ, कश्मीरी स्टूडेंट्स, फिर कश्मीरी मुस्लिम्स, तब उन्होंने कहा कि इतना डर फैल गया है और उन जैसे लाइक माइंडेड अर्बन नैक्सल्स या भारत तेरे टुकड़े टुकड़े गैंग ने ट्वीट किया कि उनके दिल के दरवाजे, उनके ट्विटर के डीएम सब कुछ खुले हैं इन कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए जिनको डर लगता हो। रिमेंबर, डर लगता हो, जैसे नसीरुद्दीन शाह को डर लग रहा था, वैसे यहां पे अभी एक कश्मीरी मुस्लिम्स के डर के लिए बरखा आंटी के सारे दरवाजे खुल गए। ट्विटर का व्हाट्सअप, ट्विटर का डीएम खुल गया, फोन का व्हाट्सअप खुल गया। तब अब बरखा आंटी, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदूज भी थे, मगर कश्मीरी हिंदूज के बारे में आप सोचती नहीं है क्योंकि आप तो एक नकली हिंदू सरनेम लेके बैठी है। एनीवेज, आपने ये सब अपने दिल और दरवाजे खोले लोगों के लिए, तो इंडिया के कोई बेवकूफ लोगों ने अपनी पॉर्न वाली फोटोग्राफ्स भेजी होंगी बरखा आंटी को। अब बरखा आंटी क्या समझती है कि इंडिया में सब उनकी तरह पढ़े लिखे हैं? नहीं, कुछ तो बेवकूफ लोग हैं ना, जैसे आप कह रही थी कि पुलवामा टेरर अटैक के लोकल यूथ को कैसे ब्रेन वॉश किया गया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा थोड़ा था, वो तो एक स्कूल ड्रॉप आउट था। सो एनीवेज, ऐसे ही कोई इलिटरेट आदमी ने बरखा आंटी को कोई अपने जेनिटल्स की मतलब पोर्नोग्राफिक पिक्चर भेज दी होगी, और बरखा आंटी ने ऑब्वियसली सिंपथी लेने के लिए या ड्रामा करने के लिए वो फोटोग्राफ ट्विटर पे डाली, और ऑब्वियसली वो ट्रेंड हो रही है। तो मेरे को लगता है कि बरखा आंटी को समझ जाना चाहिए कि हमारे देश में अभी भी बहुत इलिटरेट और बेवकूफ लोग हैं, उनको नहीं समझ पड़ता कि कैसे कहाँ पे क्या बोलना है। ये लोगों का एग्जांपल आपने देखा नहीं था जब रफाल के ऊपर डिस्कशन हो रही थी इतनी सारी, क्योंकि ये लोग खड़े हो जाते थे रफाल रफाल चिल्लाने, और उनको ये भी नहीं पता होता था कि रफाल प्लेन है, टैंक है, गन है, हमारे देश का डिफेंस मिनिस्टर एक लेडी है कि एक जेंट्स है, उनको ये भी नहीं पता होता था। तो हमारे देश में अभी तक काफी इलिटरेसी है, क्योंकि क्या करें, पद्मश्री तो आप जैसे लिटरेट जर्नलिस्ट को दे देते हैं जो बैठ के अपने घर के दरवाजे खोल लेते हैं काल्पनिक डर की सिचुएशन के लिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप, यू हैव टू बी ट्रू टू योर एजेंडा टू ब्रेक इंडिया, और ब्रेक इंडिया करने के लिए आपको सबसे पहले कश्मीर को निकालना है। तो कश्मीर को निकालने के लिए आप जितना नाटक कर सकती हैं आप करेंगी। मगर सबसे बुरी बात उनके ट्वीट में क्या थी, उन्होंने ये इलिटरेट आदमी जिसने अपनी जेनिटल की या पोर्नोग्राफिक पिक्चर भेजी बरखा आंटी को अपने व्हाट्सएप पे नंबर के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने अपना नंबर हाइड किया, उस आदमी को बरखा आंटी कंपेयर कर रही है
टू अ नेशनलिस्ट. बरखा आंटी, आप तो नेशनलिस्ट कभी बन नहीं सकती, तो नेशनलिस्ट वर्ड का है ना बेइज्जती मत करिए. नेशनलिस्ट वर आर फ्रीडम फाइटर्स, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सरदार उद्धम सिंह, ये हमारे देश के नामचीन नेशनलिस्ट थे. मैं नथुराम गोडसे को भी नेशनलिस्ट कहती हूं, मैं वीर सावरकर को भी नेशनलिस्ट कहती हूं. तो नेशनलिस्ट शब्द का बेइज्जती मत करिए बाय कंपेयरिंग दैट, कंपेयरिंग दीज ग्रेट पीपल टू सम पोर्नोग्राफिक गाय हु इज डेस्परेट टू सेंड हिज पिक्चर टू यू. कहीं ना कहीं आप ये शब्द का अपमान कर रही है. दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग आउट टू यू अगेन on this social media platform, because you're doing it publicly, I am calling you out publicly. ठीक है बरखा आंटी, क्योंकि आपको अटेंशन चाहिए थी तो अटेंशन मिल गई. आप नेशनलिस्ट वर्ड मत यूज करिए. अगर कोई आपको पॉर्न वाली पिक्चर भेजता है, आप ये ढोंग कर रही थी अपने सब फोन नंबर्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल के, तो आपको उसका भुगतना पड़ेगा. ओके, आप कंप्लेंट फाइल करिए और फाइंड आउट करिए वो आदमी कौन है, बट डोंट डिसरिस्पेक्ट द वर्ड नेशनलिस्ट अगेन. इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा ऑब्वियसली हाँ, एक दूसरी फेमिनिस्ट पुरानी पापी कविता कृष्णन जी, शी इज फेमस फॉर ट्वीटिंग फेक पिक्चर्स. उन्होंने एक टाइम पे जब फार्मर्स की कोई एजिटेशन हो रही थी, तब कोई पिक्चर ट्वीट करी थी जहां पे एक फार्मर के हाथ में गन थी एंड ही वॉज शोइंग दैट गन टू अ सोल्जर. और वो पिक्चर उसने ट्वीट करी जब ये फार्मर्स एजिटेशन हुआ रिसेंटली टारगेटिंग ड्यूरिंग द मोदी गवर्नमेंट. और ये पिक्चर आई थिंक मोदी गवर्नमेंट के टाइम की थी नहीं, it was prior to his government and she used it to kind of bitch about or talk bad about the present NDA sarkar. So that shows that she obviously is a part of some WhatsApp group, WhatsApp university group, because ye liberals hardam bhakts ko aur right wingers ko aur jo log nationalist hai unko WhatsApp university ka troll bolte hai. But sabse zyada WhatsApp university ka troll is Kavita Krishnan, kyunki wo aaj fir se koi fake picture tweet karti hai about Narendra Modi having a laugh with Nitish Kumar, who is the chief minister of Bihar, कैप्शनिंग कि दिस इज हाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज बिहेविंग आफ्टर द पुलवामा अटैक. मतलब वो इतनी पागल है या इतनी ड्रंक है, और इज शी ऑन ड्रग्स, आई डोंट नो, और इज शी बिलोंग्स टू सम वियर्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रुप विच जस्ट सेंड्स आउट रैंडम पिक्चर्स ऑफ ऑल द अर्लियर सरकार्स, और सब अर्लियर सरकार के टाइम की पिक्चर्स और उनका नॉनसेंस वो मोदी जी पे डालना चाहती है. सो दिस इज वॉट शी इज डूइंग, बिकॉज हियर अगेन आई एम स्पेसिफाइंग, यू डू समथिंग ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, यू क्रिएट सच काइंड ऑफ ड्रामा ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, आई विल टॉक अबाउट इट, आई विल कॉल यू आउट, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मिसलीड द पीपल. जो नकली फॉलोअर्स भी है या असली फॉलोअर्स भी है आपके ट्विटर के टाइमलाइन पे, ठीक है, और जो नकली मेनस्ट्रीम मीडिया आप जैसे लोगों को फेमिनिस्ट बोलती है या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बोलती है, उनको भी पता होना चाहिए कि आप कितने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो. आप एक व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करते हो जहां पे वो लोग नकली फोटोज रिलीज करते हैं और सैड टेक्स्ट भी रिलीज करते हैं, और आप आंखें बंद करके छाप देते हो अपने अकाउंट से, ठीक है. सो दिस वॉज कविता कृष्णन, पुरानी पापी. एंड Lastly, my favorite lady, she is not a bad person. I don't think Rakhi Sawant is a bad person. But somewhere I think she can be influenced very fast. So aaj shayad unka koi video forward ho raha tha, and wahan pe wo keh rahi thi ki she was asking Narendra Modi ji ki aap hai na 30,000 crore, jaise aapne 30,000 crore Anil Ambani ji ko diye, waise hi abhi aap kuch paisa ye jawanon ki family ko de do. तो मेरे को हंसी भी आई और मुझे ये सिचुएशन रियलाइज भी हुआ कि हमारे देश में एक्चुअली लोग कितने बेवकूफ हैं और एक्चुअली लोग कितनी जल्दी ब्रेन वॉश हो सकते हैं. क्योंकि राहुल गांधी ने इतना चिल्लाया अबाउट 30,000 crore, जबकि वो फिगर भी गलत है, मगर लोगों के दिमाग में वो चीज बैठ गई है. और राखी सावंत इज जस्ट रिपीटिंग व्हाट राहुल गांधी हैज बीन स्क्रीमिंग. आई डोंट थिंक शी हैज स्टडीड रफेल, और आई डोंट थिंक शी हैज अंडरस्टूड द पॉलिटिक्स बिहाइंड इट, because somewhere I know she is a good girl, though she sometimes gets confused with English and whatever,
मगर वो ऐसा डायलॉग कह रही थी, उसकी इंटेंशन ऑब्वियसली अच्छी थी कि नरेंद्र मोदी जी को ये 44 सीआरपीएफ जवानों की फैमिली को यू नो मॉनिटरी हेल्प करना चाहिए, एंड ऑब्वियसली ये मॉनिटरी हेल्प हमारे टैक्सपेयर मनी से जाएगा क्योंकि हम लोग वी आर ओके विद दैट बिकॉज इन फैमिली के साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है. बट आई एम जस्ट पिकिंग अप वन वर्ड शी ट्राइड टू यूज इन अ वीडियो. तो ये दिखाता है कि हमारे देश में लोग कितने अनपढ़ है, कितनी जल्दी ब्रेन वॉश हो सकते हैं. इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूं, बीजेपी कार्यकर्ता, गो ऑल आउट एंड स्क्रीम योर लंग्स आउट एंड टेल द इंडियंस व्हाट इज द ट्रुथ अबाउट एवरी सिचुएशन बिफोर योर इलेक्शंस, बिकॉज पीपल इंडियंस दे गेट इन्फ्लुएंस्ड सो फास्ट. राखी सावंत इज यूजिंग द सेम वर्ड जो राहुल गांधी यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली उसने राहुल गांधी की कोई वीडियो सुनी होगी एंड शी मस्ट हैव started believing it. I really don't want to get into why she used that word, but हमारे देश में लोग ये है, ऐसे illiterate है, और इसका example obviously वो बरखा आंटी का भी tweet है जहां पे किसी ने उसको obviously एक genital की photo दे भेज दी, pornographic तस्वीर, because she let out her number. So obviously we don't let out our private numbers on a public platform. Lot of people don't understand the seriousness of the situation. इन लोगों को समझाना पड़ता है. हमारे देश में लोग अभी तक काफी इनोसेंट है या बेवकूफ है या इजीली ब्रेन वॉश हो जाते हैं, बट भारतीय ये सब हो सकते हैं मगर जिहादी और टेररिस्ट नहीं हो सकते. जिहादी और टेररिस्ट सिर्फ पाकिस्तानी हो सकते हैं. भारतीय लोग बेवकूफ हो सकते हैं, ब्रेन वॉश्ड हो सकते हैं, मगर जिहादी होना वो सिर्फ पाकिस्तानियों का क्या है, ट्रेडमार्क है, नॉट इंडियंस. सो दैट इज On that note, I will end my speech. Have a great day. Namaskar.